जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक अच्छी खबर आई है आप लोगों के लिए और इस खबर का लाभ लेने के लिए 3 दिन का समय आपके पास शेष है, क्योंकि आज है 24 फरवरी और 27 फरवरी तक ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। इस सूचना का संबंध उन सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों से है जो रिसर्च के फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, कर चुके हैं या करना चाहते हैं। आपका एडमिशन यदि हो चुका है PhD में किसी विश्वविद्यालय में या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक इंटरव्यू होगा, छोटा सा इंटरव्यू। में यदि सफल हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की अवधि है 2 वर्ष के लिए और इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च की तरफ से ये प्रोजेक्ट निकाला गया है जिसके लिए मांगे गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका UGC नेट या CSIR नेट या JEE या GATE या SET या MPhil होना ज़रूरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे इतिहास की फील्ड के हैं, हिस्ट्री की फील्ड के हैं, या जो बच्चे सोशोलॉजी समाजशास्त्र की फील्ड के हैं, जो बच्चे आर्ट के हैं, क्राफ्ट के हैं, कल्चर के हैं, फोक के हैं, ट्रेडिशन के हैं, किसी पाठ्यक्रम में एनरोल हैं, वो सभी बच्चे इस वाले प्रोग्राम को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है और सोशल साइंस के अंतर्गत ये रिसर्च करवाया, ये रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर आपको एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका ये संस्थान दे रहा है और 2 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये संस्थान कौन सा है, क्या प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, और क्या कुछ आपको सीखने को, करने को, समझने को मिलेगा, उसकी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, अलग अलग सेंटर से और अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो एम्पिरिकल रिसर्च स्टडीज अंडर द स्कीम ऑफ रिसर्च प्रोग्राम 2024 के अंतर्गत निकाले गए हैं। इसकी डेट को पहले 11 फरवरी रखा गया था, जिसको एक्सटेंड करके 27 फरवरी 2024 कर दिया गया है। आज ही रात कह लीजिए या आज की सुबह कह लीजिए, कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मुझे एक दूसरे संस्थान के वेबसाइट पर मिला और मालूम चला कि डेट अभी बाकी, सोचा आपके लिए वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि लाखों की अमाउंट आपको प्राप्त भी होगी इस प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान 2 सालों में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और इस कार्यक्रम को करते वक्त आपकी पढ़ाई किसी प्रकार के बाधित नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसकी हम बात करते हैं। पहली चीज, ये एक रिसर्च प्रोग्राम है 2024 का, ये कोई फेलोशिप, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई कोर्स भी नहीं है, यह एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 2 अलग अलग भूमिकाओं के रूप में काम करने का मौका मिलेगा और उसी के लिए मांगे गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। पहला इसमें काम जो दिया गया है वह दिया गया है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का। और दूसरा काम है को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, यानी कि एक है प्रोजेक्ट का सहायक होता है और एक सह सहायक होता है। जैसे रिसर्च करते हैं ना, हम रिसर्च हम किसी टीचर या गाइड के अंडर करते हैं। अब कई बड़े बड़े जो PDF जेल की फेलोशिप होती हैं, डॉक्टरशिप की फेलोशिप होती हैं, उसमें एक बड़ा शिक्षा काम करता है। वह ट्रैवलिंग करने में, उनको डेटा कलेक्ट करने में की समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या के समाधान के लिए वे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चों को हायर कर लेते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं। उन रिसर्च के बच्चों को कुछ पैसा हर महीना दिया जाता है और बच्चों के डेटा को वह टीचर या प्रोफेसर अपने अंडर में रखकर अपने नाम से उसको काम करता है और उसको एक अच्छा मोटा खासा अमाउंट भारत सरकार देती है। उसी प्रकार का ये प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। इसका एक विशेष एरिया दिया गया है कि किस किस एरिया से संबंधित इसमें काम करवाया जाएगा या जिसमें आपको अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और उस शिक्षक या संस्थान की हेल्प करनी है। इसमें जो एक एरिया रखा गया है ब्रॉड सा, उसको समझ लीजिए हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी का के अंतर्गत होने वाले आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर एंड फोक, जो फोक कल्चर होता है उस ट्रेडिशन के, रिलीजियस ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो अगर आपकी रुचि कला में है, क्राफ्ट में है, यानी कि जो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को अच्छे से समझा है और उसे अगर उसी में भी अगर आपने ट्रेडिशन, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं या फिलोसफी के विद्यार्थी हैं या आप साइकोलॉजी या सोशोलॉजी के विद्यार्थी, तो इन बातों को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम पर काम करने के लिए आपका हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप प्रॉपरली हिंदी भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं, बाइलिंगुअल भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है और 2 ही भूमिका मैंने आपको बताई। इसकी अवधि है 2 साल तक,
2 साल तक आपको इसमें काम करना है, और हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। मैं ऑनलाइन फॉर्म को भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वह एमएस वर्ड की फॉर्म में है तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको वेबसाइट का दे दूंगा। तीनों फॉर्मेट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है, ईच रिसर्च प्रोग्राम विल बी गिवन इन द एलोकेशन ऑफ 17 लाख ऑफ बजट, यानी 70 लाख का बजट है। अब उस 70 लाख में से आपको 7 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, 20 लाख मिलता है, क्योंकि कितने टोटल इसमें सीट्स हैं प्रोग्राम के लिए ये भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि ICSSR के प्रोजेक्ट 3 से 6 लाख के बीच में लगभग होते हैं, 2 साल का, अगर 1 साल का अमाउंट मान के चलिए 3 से 4 लाख भी हो सकता है और 1.5 से 3 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा, प्लस कंटेंजेंसी अलग से मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और किसी के अंडर क्या कोई काम करना है, और ये फुल टाइम प्रोग्राम है, लेकिन आपको अपनी कोई पढ़ाई, कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिएगा, इस फेलोशिप को भरते वक्त में जब आप फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, आपको अपने रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्रोग्राम या रिसर्च प्रस्ताव तैयार करना होगा। उसका क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, अगर आपके कमेंट आते हैं तो, नहीं तो अगर आपको कोई डाउट शंका है बनाने में मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आपको जिस संस्थान में आप एडमिशन ले रखा है, जहां आपने PhD में, क्योंकि याद रखिएगा इस फेलोशिप को, इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपका PhD में एडमिशन होना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका PhD में एडमिशन है, अप्लाई करिएगा, और आपको अपने संस्थान से, अपने विभाग से, यूनिवर्सिटी से कुछ लेटर या कोई प्रमाण पत्र लेने जरूरी है। इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त में उसको आपको अटैच करना होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ये लेटर का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनवाने हैं, उसका मैं लिंक आपको दे दूँ, खाली आप उनका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फिलअप करिएगा अपने गाइड से, यानी कि सुपरवाइजर से, अगर सुपरवाइजर अलाउड नहीं हुआ है अपने HOD से, HOD अगर मौजूद नहीं है उस डेट में, अपने डीन से फैकल्टी के, या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, या वाइस चांसलर से, या फिर उप कुलपति से भी, या कुलपति से भी साइन करवा के जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक। कौन से लेटर है, पहला इसमें है, पहला बताया रिसर्च प्रपोजल, दूसरा है इसमें फॉरवर्डिंग लेटर बाय द इंस्टीट्यूट की आप वहाँ के शोधार्थी हैं, ऐसी स्वीकृति अनुमति संस्थान आपको दे, इसका एक लेटर चाहिए। आप उसी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में PhD के शोधार्थी हैं, या शोधार्थी हैं, या महिला पुरुष जो भी हैं, उसका परमिशन लेटर दे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और PhD भी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और PhD भी कर रहे हैं, तो जिस इंस्टीट्यूट से आप PhD कर रहे हैं वहाँ का लेटर लगेगा, और जहाँ से आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का NOC लेटर लगेगा, और उसको भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के साथ में स्कैन करके अपलोड करने हैं, और बाय पोस्ट भी आपको भेजने हैं एक एड्रेस पर, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। आप एड्रेस चाहे नोट करना तो उसको नोट भी कर सकते हैं। एड्रेस है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इन शॉर्ट ICSSR, .JNU इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरुण आसफ अली मार्ग, न्यू दिल्ली 110067। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है इग्नू, इग्नू के पास में ही ये संस्थान है। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो हौज खाचे साकेत मेट्रो तरी, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ई रिक्शे से, मेट्रो से, ऑटो करके आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक अप्लीकेशन फॉर्म है, भरने के इच्छुक है तो भरिएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसको लेकर समस्या है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ध्यान से समझा दूंगा। और जो भी मैंने आपको लेटर बताए जो आपको लगाने हैं, उसका फॉर्मेट भी का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए, ताकि आप फॉर्म को सही समय पर भर सकें और कोई आपको समस्या ना आए। दूसरा जो रिसर्च, और हाँ, आपको जो भी अकेडमिक डॉक्यूमेंट है ना, 10th 12th UG PG, इनकी भी मार्कशीट आपको लगानी है एकेडमिक रिकॉर्ड के रूप में, और इसके साथ साथ में कुछ और बातें प्रपोजल के विषय में सुन लीजिए। आपका एक रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए, मैंने जो आपको थीम बताई ना, थीम आपको याद है ना, क्या थीम है, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, जो मैंने आपको थीम बताई है, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी ऑफ आर्ट क्राफ्ट कल्चर एंड फोक ट्रेडिशन ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया, इससे संबंधित कोई टॉपिक क्रिएट करिएगा, कोई प्रपोजल बनाइएगा, और उसको एक फॉर्मेट में बकायदा तय करके इसमें आपको भेजना है, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिया गया है, उसके 20-22 पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा सा। रिसर्च का टॉपिक दीजिएगा, अपना एक एब्स्ट्रैक्ट दीजिएगा, शोध का सार, रिसर्च का प्रपोजल का सार 500 शब्दों में, और साथ ही साथ में डेटा का सोर्स भी दीजिएगा, आपका प्रपोजल का उद्देश्य क्या है 500 शब्दों में ये दीजिएगा,
आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कोई वर्कशॉप वगैरह कहीं अटेंड की है, कोई प्रोजेक्ट में काम किया है? अगर हाँ तो उसकी डिटेल दीजिएगा। आपने किसी आर्कोलॉजी टाइप का कुछ काम किया है उसकी डिटेल दीजिए, अगर किया है तो। मैंडेटरी नहीं आती है तो दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें 15-20 है, फिर आपको प्रपोजल के क्वेश्चन क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, ठीक है, रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या है, मेथोलॉजी क्या है, फिर अगर फिर रिसर्च के क्वेश्चन, डेटा डेटा एनालिसिस, सिग्निफिकेशन, इनोवेशन, कोई रिसर्च पेपर कोई पब्लिश है कि नहीं, उसकी डिटेल, रेलेवेंस ऑफ दी पर्पस ये आपको बताना है, टोटल ग्रांट आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं वो बताइएगा, रिसर्च का जस्टिफिकेशन दीजिएगा, और ये रिसर्च कितने महीने के लिए आप करना चाहते हैं, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, या फिर मैक्सिमम 24 महीने के लिए, ठीक है। ये सब जानकारी आपको देनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करिएगा और इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा 27 फरवरी से पहले। एड्रेस मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। ये जानकारी कैसी लगे, फिर से मैं कह देता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी भाषा वाले विद्यार्थी इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा। जो बच्चे लैंग्वेज की फील्ड के हैं, सोशल साइंस की फील्ड के हैं, साइंस वाले बच्चे इसको नहीं भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी नहीं, यानी कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं खासकर और सोशल साइंस के खासकर हैं वही इसको भरेगा। क्योंकि बहुत से बच्चों की समस्या, ये सवाल भी आ रहा था कि सर हमारे पास नेट क्वालिफाई नहीं है, JRF क्वालिफाई नहीं है, तो हम PhD करेंगे, हम फेलोशिप नहीं है तो हम कैसे खर्चा उठाएंगे, तो कोई ऐसी फेलोशिप बताइए जिसमें नेट JRF ना मांगा गया हो और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिले, तो ये फेलोशिप उन विद्यार्थियों के लिए ही है। लास्ट एक फेलोशिप भी मैंने बताई थी आपको जो ग्रेजुएशन के लेवल की थी, एक फेलोशिप का वीडियो ये है। इसी प्रकार और फेलोशिप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपकी यदि कोई समस्या है फेलोशिप को लेकर, किसी फेलोशिप के बारे में और जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, फेलोशिप के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आने वाले वीडियो में कुछ और फेलोशिप की बात करेंगे, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को प्लस ये एक रिसर्च प्रोग्राम है इस तरीके से ही इसको भरिएगा। 2 साल का है, अगर आप PhD के चौथे या पांचवें वर्ष में हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, यदि PhD के पहले दूसरे वर्ष में हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, यदि PhD में एडमिशन लिए हुए आपको 1 दिन 1 महीना भी हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका PhD चाहे पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, डिस्टेंस से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, डीम यूनिवर्सिटी से है, प्राइवेट से है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका PhD केवल हिंदुस्तान में यदि एनरोल है तो ही आवेदन कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान के बाहर से करने वाले बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की तरफ से एक रिसर्च प्रोग्राम निकाला गया है 24 के संदर्भ में, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी से संबंधित। जो बच्चे आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, फोक एंड ट्रेडिशन के हैं वो इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। अपना, अपनों का ध्यान, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का भी ध्यान रखिएगा। दुआ सलाम कबूल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।